नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। किसी भी इंसान के अंदर छुपी हुई समाज सेवा की भावना को केवल उसी समय समझा और पहचाना जा सकता है जब समाज पर किसी प्रकार की विपत्ति आए और वह समाज सेवी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए और सहयोग की भावना से तन मन धन के साथ जुट जाए। देश में कोविड 19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद समाज के गरीब तबके में आई भोजन की समस्या को लेकर कई समाजसेवी संगठन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर लोगों की सहायता में जुट गए हैं तथा जरूरतमंदों के पास राशन और रसद खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बबीना के समीपवर्ती ग्राम BHEL आरा मशीन सिमरावारी की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अजय सोनी द्वारा अपने परिवार समेत और मित्र मंडली तथा सहयोगियों के साथ मिलकर जिस दिन से देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई है उसी दिन से लगातार अपने क्षेत्र में जरूरतमंदों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को पूछा जा रहा है और उनके यहाँ राशन तथा बना हुआ खाने के पैकेटों को भिजवाया जा रहा है। इस काम के लिए वे अपने परिवार समेत निरंतर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और अपने घर खाना तैयार कराकर लोगों के यहाँ भेजने का महान कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर और लोगों के घर घर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, जिससे मोबाइल पर सूचना मिलने पर वे ज़रूरतमंदों को अपने लोगों के द्वारा खाद्य सामग्री भेजने का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा किया जाने वाला समाज सेवा का यह कार्य उनके परिवार व मित्र मंडली और सहयोगियों के आपसी तालमेल व सामंजस्य से संपन्न किया जा रहा है। साथ ही साथ कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उनके द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का सभी लोग पूरी तरह से पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। ज़रूरतमंदों को समाजसेवी संस्थाओं द्वारा खाद्य सामग्री उनके घर तक भेजने का काम लगातार किया जा रहा है। साथ ही वे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी निरंतर कह रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। जब हमारे स्थानीय संवाददाता नासिर हुसैन ने भाजपा कार्यकर्ता अजय सोनी से मुलाकात की और उनके समाज सेवा की इस भाव को जानने की कोशिश की तो अजय सोनी ने बताया कि उनकी सोच हमेशा से यह रही है कि समाज में कोई भी व्यक्ति परेशान ना रह पाए। ईश्वर ने उन्हें और उनके परिवार को जो कुछ भी प्रदान किया है वे विपत्ति की इस घड़ी में ज़रूरतमंदों पर निछावर करने के लिए तैयार हैं और जब तक उनके पास लोगों को वितरित करने के लिए खाद्य सामग्री रहेगी तब तक वे लोगों को इसी प्रकार सहायता करते रहेंगे। उन्होंने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति संकट के इस दौर में भूखा ना सो पाए। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर क्या कहना है भाजपा कार्यकर्ता अजय सोनी का। ये जो वितरण चल रहा है ये हमारे जितने भी सहयोगी है, मिसलगण हैं और छोटे भाई हैं, हम सभी लोगों ने एक कर और ऐसी किस्म परिस्थिति में जब कोविड 19 का कहर पूरे भारत आया है तो उसमें सिर्फ सभी लोगों ने अपने 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 जो कलेक्शन थे वो सारे खोल दिए और सभी प्रतिदिन खाना बनाकर और गरीबों में और जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक घर घर जाकर खाना पहुँचाया जाता है और ये बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन करना है ताकि। नवोदय प्रेस टाइम्स के लिए खैलाब से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।